लड़कियों से हमको एक बात कहना था कि शादी के अगले दिन अपने अपने पति से तुम लोग एक बात पूछ लिया करो कि बाबा जी जो मंत्रवा पढ़ रहे थे एको मंत्र याद है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि शादी के दिन ज्यादातर लड़के माल फूक लेते हैं, सस्ता नशा कर लेते हैं, उसके बाद जो बाबा जी कहते हैं सात फेरों में सात वचन वचन लिवाते हैं वो बस लड़की को याद रह जाता है, लड़का धूम्रपान का शिकार रहता है इसलिए उसको कुछ याद रहता नहीं है। तो लड़कियों से अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि शादी के अगले दिन क्या क्या लड़का वचन लिया है ये जरूर पूछ लें। काहे कि याद सिर्फ लड़की को रह जाता है वचन, लड़के को यादें नहीं रहता है। अब पंडित जी से विनम्र निवेदन है कि जौन भाषा में लड़के को वचन समझ में आए वही भाषा का प्रयोग करें, अन्यथा पता चला संस्कृत लड़का कई बार नहीं कर रहा, हिंदी समझ में नहीं कर रहा है, तो जो भाषा में लड़के को मंत्र समझ में आए, वचन समझ में आए, उसी भाषा में बाबा को बुलाएं जो बाबा वो भाषा जानते हो। दिक्कत हो जा रहा है भाई, दिक्कत हो जा रहा है, मतलब मंत्र के साथ साथ इतने बड़े वादे वचन लिए जाते हैं और शादी के अगले दिन लड़का सब भुला जाता है, दिमाग से साफ हो जा रहा है, इसके पीछे का क्या रहस्य है? जिस प्रकार के जितने बड़े बड़े वादे होते हैं, जितने अच्छे और जितने सुदृढ़ वचन है, उन वचन को अगर लड़का निभा दे तो हर लड़की का जीवन पृथ्वी पे ही स्वर्ग बन जाएगा, उसको दुनिया में और कुछ भी नहीं चाहिए। अगर लड़का सिर्फ वो सात वचन ही निभा